हाय दोस्तों, मैं हूं क्वेश्चन मार्क। आज का सवाल है, क्या हमारा शरीर शराब या अल्कोहल खुद बना सकता है? तो आपको इस बात का जवाब सुनकर आश्चर्य हो सकता है, क्योंकि इस बात का जवाब है हाँ। हाँ, हमारा शरीर खुद ब खुद शरीर में अल्कोहल बना सकता है। उसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है। आइए समझते हैं क्या प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में अल्कोहल तो नॉर्मल कंडीशन में भी बनता है, लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि अल्कोहल इतनी मात्रा में बने कि आपके मुंह से बदबू भी इसी तरीके से आए जैसे शराब पीने वाले इंसान के मुंह से आती है, और आपको थोड़ा थोड़ा नशा भी फील हो, मतलब सुस्तपना फील होगा अपने आप में, तो उसे आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर में इतनी मात्रा में अल्कोहल या दारू बन रही है जिससे हमें नशा भी हो रहा है और हमारे मुँह से महक आ रही है, स्मेल आ रही है बिल्कुल दारू जैसी। तो एक नॉर्मल लिमिट से, तय लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल हमारे शरीर में तभी बनता है जब ये एक रेयर बीमारी, मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में होता है, जिसे कहते हैं ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम या गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में एक यीस्ट होता है जो हमारे पेट में और छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है जो हमने खाया है उसको, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है, मतलब शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको अल्कोहल में बदल देता है। और इस अल्कोहल में बदलने की क्रिया को हम किण्वन क्रिया कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में जो किण्वन क्रिया द्वारा बनाया जाता है वह भी अल्कोहल होता है, वो इतनी कम मात्रा में होता है कि उसको हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब उसको खत्म कर देता है, इतना कम मात्रा में बनाया जाता है। अगर वही अल्कोहल इतनी ज्यादा मात्रा में बनता है कि लीवर उसको खत्म नहीं कर सकता, डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, तो ज़्यादा अल्कोहल हमारे शरीर में होने की वजह से, हमारे लीवर में होने की वजह से, हमारे मुंह से भी इसी तरह की स्मेल आती है जैसे एक दारू पीने वाले इंसान के मुंह से आती है। लेकिन इस अल्कोहल में और असली पीने वाले अल्कोहल में सिर्फ इतना अंतर होता है कि आप इसके नशे को या इसके इफेक्ट को किसी भी एंटी फंगल मेडिसिन लेकर उसे ख़त्म कर सकते हो और आपका शरीर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा फिर से। तो अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।